स्पाई वर्ल्ड में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोवर्ट ऑपरेशंस और एक होता है क्लैंडेस्टीन ऑपरेशंस। जनरली लोगों को इन दोनों के बीच में फ़र्क मालूम नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज के वीडियो में ना आप सिर्फ इन दोनों के बीच में फ़र्क समझोगे, बल्कि इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि रशिया अमेरिका के ऊपर कोवर्ट ऑपरेशंस और क्लैंडेस्टीन ऑपरेशंस दोनों कैसे मिलकर अग्रेसिवली चलाता है, और सीरिया में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को कैसे मिला। सबसे पहले अगर हम बात करें कोवर्ट ऑपरेशंस की, कोवर्ट ऑपरेशंस वो प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे देश में चला रही होती है। दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को ये पता होता है कि हमारे टेरिटरी में किसी प्रकार की कोई हरकत हो रही है और कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इसके पीछे है, लेकिन उस देश में ये समझ नहीं आता उसको कि पहली बात कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी इसको कर रही है, दूसरी बात कैसे कर रही है, और तीसरी बात क्यों कर रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक कोवर्ट ऑपरेशन में, यानी कि अगर मान लीजिए रशिया एक अमेरिका के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है, अमेरिका को ये चीज समझ आ रही है कि हमारे यहाँ पर एक कोवर्ट एक्टिविटी चल रही है, उसको दिख रहा है क्योंकि एक इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे के कार्य को समझ सकती है, पर वो ये चीज अमेरिका नहीं समझ पा रही कि हमारे यहाँ पर ये कोवर्ट एक्टिविटी कैसे अनफोल्ड हो रही है, और वो ये भी नहीं समझ पा रही कि ये कोवर्ट एक्टिविटी जो हो रही है इसको करने का ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य क्या है। ये तो हुआ कोवर्ट ऑपरेशन, लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बोला कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में जो दूसरी एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं क्लैंडेस्टीन ऑपरेशंस। क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन में जो फर्क है उसका कोवर्ट ऑपरेशन से वो ये है कि एक क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ वो लोग इंटेलिजेंस एजेंसी के जो उस कार्य को कर रहे हैं उनके सवाए किसी और को एक भनक भी नहीं होती कि हमारे देश में या हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा है। यानी कि क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन इतना केयरफुली डिजाइंड होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है कि जिस कंट्री के ऊपर क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन हो रहा होता है उसको तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि जो कंट्री क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन दूसरे पे कर भी रही होती है उसमें भी पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को नहीं पता होता कि हम क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन कर रहे हैं, बट केवल सिर्फ चुनिंदा उन लोगों को ये बात पता होती है जो उस क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं कि हम एक एक्टिविटी दूसरे देश के ऊपर कर रहे हैं। तो कोवर्ट और क्लैंडेस्टीन के बीच में आई होप नंबर वन आपको अंतर समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दोनों का एक एक उदाहरण दे के बताता हूँ कि रशिया आज की डेट में क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन और कोवर्ट ऑपरेशन दोनों के दोनों कैसे करता आया है अमेरिका के ऊपर। दोस्तों ये बात है लगभग आज से कई साल पहले की, 1980 के दशक में। 1980 के दशक में मॉस्को में अमेरिका ने सोचा कि हम अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला और उस समय 23 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक पूरा प्लान बनाया कि मॉस्को के अंदर अमेरिका की एक 23 मिलियन यूएस डॉलर्स लगा के एक नई एम्बेसी बनाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि ये 23 मिलियन डॉलर्स जो अमेरिका की सरकार पैसा खर्चेगी ये तो अमेरिकन टैक्सपेयर्स का पैसा है, और ये बात तो फैक्ट भी है कि भाई एक एम्बेसी रिश्तों को फैसिलिटेट करने के लिए बनानी भी चाहिए। खैर, अमेरिका ने जब ये डिसीजन लिया कि हम मॉस्को में 23 मिलियन डॉलर की एक एम्बेसी बनाएंगे, इस एम्बेसी को बनाने का कार्य के लिए उन्होंने दो गलतियां कर दी। सबसे पहले उन्होंने एम्बेसी का डिजाइन और आर्किटेक्ट अमेरिका का चुना। ये आर्किटेक्ट अमेरिका का और वो आर्किटेक्चर कंपनी मॉस्को गई। वहां पे जाके उसने रशियन लेबर का और रशियन मटेरियल, मिट्टी, पत्थर, ईटा, रेता, ये सब जो है रशिया से खरीदना शुरू किया। जब रशिया ने उस समय इस चीज को देखा कि अमेरिका हमारे यहां पर अपनी एम्बेसी बनवाने के लिए हमारे लेबर का प्रयोग कर रही है,
हमारे मिट्टी पत्थर ईंटों का प्रयोग कर रही है, और एक आर्किटेक्चरल कंपनी है जो कि एक निजी अमेरिकन कंपनी है जिसको ये कार्य दिया गया बनाने का, तो रशिया ने उस समय एक क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन शुरू किया। इस क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन में रशिया ने जो लेबर भेजे वो केजीबी के स्पाइस थे, और मिट्टी पत्थर ईटा रेता इस प्रकार का डिजाइन करके भेजा कि हर एक चीज के अंदर, खास करके ईंटों के अंदर, सरियों के अंदर, जो भी बिल्डिंग बनाने में सरिया लगा, पत्थर लगे, ईंट लगी, टाइलें लगी, ग्रेनाइट लगा, उन सारों के अंदर रशिया ने वायरिंग बनाई, माइक्रोफोन्स डाले, और इस प्रकार से एक सिस्टम क्रिएट किया कि केवल और केवल जो रशिया की लेबर अमेरिका की एम्बेसी में उस निजी आर्किटेक्चरल कंपनी को बनाने का कार्य कर रही थी, मॉस्को में जो एम्बेसी बन रही थी, उस दौरान रशिया ने पूरे के पूरे एम्बेसी के कंपाउंड को क्रिएट करवाने के चक्कर में $31 मिलियन का एक जायंट माइक्रोफोन बना लिया, क्योंकि उसने मिट्टी पत्थर सरिया रेता ईंटा हर जगह में जहां पर उसको स्कोप और अवेलेबिलिटी मिली, उसने सेंसर से लेके चिप से लेके हर एक चीज और वायरिंग को फिट कर दिया, जिसकी वजह से जब ये एम्बेसी की बिल्डिंग इवेंचुअली तैयार हुई तो रशिया की जो लीडरशिप थी वो अपने ऑफिस में बैठकर अमेरिका की उस एम्बेसी में मॉस्को के अंदर एक एक कम्युनिकेशन को सुन पा रही थी, कौन सा अधिकारी कौन से कमरे में जाकर किस अधिकारी से क्या बात भी कर रहा है, वो एक जायंट माइक्रोफोन बन के पूरे रशियन इंटेलिजेंस के सामने रिले हो रहा था। आज की डेट में जब हम इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पढ़ते हैं तो ये जो क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन था ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन माना जाता है, जिसमें $23 मिलियन का चूना लगा दिया गया। और इस ऑपरेशन को करने के लिए रशिया का वो जो लेबर इन्वॉल्व्ड था मॉस्को में उसको छोड़कर ये जानकारी और किसी को नहीं थी। अमेरिका को ये जानकारी बहुत समय बाद मिली, और शीत युद्ध खत्म होने के बाद जब अमेरिका को ये समझ आया कि हमारी एम्बेसी तो पूरी एक जायंट माइक्रोफोन बनी हुई थी, उन्होंने फिर से एम्बेसी तोड़वाई। और उस दिन के बाद अमेरिका की सरकार ने 1990 के दशक की यह बात है कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम किसी निजी कंपनी को अब ये कार्य एम्बेसी कंस्ट्रक्शन का नहीं देंगे, और US मिलिट्री के कंस्ट्रक्शन यूनिट्स जो हैं पूरे विश्व स्तर पर, अगर कहीं पर भी हमें एम्बेसी या कॉन्सुलेट बनाना होगा तो उसका कार्य वही करेंगे। $23 मिलियन का चूना एक क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन में रशिया ने अमेरिका को ऐसे लगाया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में दूसरे टाइप के जो एक्टिविटीज होते हैं उनको हम कोवर्ट ऑपरेशंस कहते हैं। पुटिन जो है, ये मैं आपको पिछले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि वो एक जूडो के मास्टर हैं। पुटिन का मानना ये है कि जो जूडो है आप उसके कराटे से सिर्फ अपने एडवर्सरी को एक स्ट्रेंथ से डिफीट नहीं कर सकते, क्योंकि जूडो एक फिजिकल स्ट्रेंथ की गेम नहीं है दोस्तों, मेंटल स्ट्रेंथ की गेम है, और पुटिन इस बात को मानते हैं। और वो आज की डेट में जब भी कोई कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं वो जूडो का प्रयोग उस कोवर्ट ऑपरेशन में करते हैं, जिससे कि वो एडवर्सरी के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करें। दोस्तों 11 सितंबर 2013, उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में पूरी प्लानिंग कर चुका था कि अमेरिका सीरिया में लड़ाई लड़ने जा रहा है। 2013 समय भी ऐसा था कि 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था, अमेरिका की जनता में एक नया आक्रोश आ रखा था, अमेरिका की जनता बड़ी उत्तेजित हो रखी थी, और जब अरब स्प्रिंग में 2013 में सीरिया में बशर अल असाद ने अपने ही नागरिकों के ऊपर केमिकल वेपन्स का प्रयोग करा उसको रोकने के लिए, जब अमेरिका की सरकार ने, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया कि अमेरिका विल गो टू वॉर विद सीरिया, अमेरिका अब सीरिया को इन्वेड करके सीरिया में बशर अल असाद को हटाएगी, उस समय इसको रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करा, और इतना महत्वपूर्ण कि ओबामा का पूरा गेम प्लान बिगड़ गया।
11 सितंबर 2013 को व्लादिमीर पुतिन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा एक न्यूज़पेपर है, जो कि सबसे माना जाना न्यूज़पेपर है, उसमें एक ऑप एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के तहत व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका में एक ऐसा कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन किया कि वो एक आर्टिकल ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के पैरों तले जमीन खींच ली। व्लादिमीर पुतिन इस बात को समझ चुके थे कि हमें अमेरिका को सीरिया में आने से रोकना है, क्योंकि सीरिया आज की डेट में रशिया का एक फ्रंट लाइन स्टेट है। सीरिया से रशिया को वार्म वाटर पोर्ट्स का एक्सेस भी मिल जाता है। सीरिया ईरान का भी एक दोस्त है, तो ईरान भी नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से अमेरिका उसके ही एक एलाई के पास आके लड़ाई करे। इस पूरे गेम प्लान को रोकने के लिए 11 सितंबर 2013 का न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑप एडिटोरियल पेज पे व्लादिमीर पुतिन का वो आर्टिकल, आज की डेट में भी आप डाउनलोड करके उसको अगर पढ़ें तो उसमें व्लादिमीर पुतिन ने चार पांच चीजों की चर्चा करी। उसने अमेरिका की नफ्स को समझा और उसने अमेरिका के लोगों की साइकी को समझा और अमेरिका के लोगों के ऊपर एक ऐसा इंफॉर्मेशन वॉर किया कि अमेरिका की जनता भावुक हो गई। क्यों? क्योंकि उस आर्टिकल में व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ नंबर वन ये बोला कि भाई अमेरिका को सीरिया में नहीं आना चाहिए। उसने कहा कि अगर अमेरिका सीरिया में आती है और सीरियन से लड़ती है तो सबसे पहली बात, बहुत सारे इनोसेंट लोग, बच्चे, बूढ़े मारे जाएंगे। उसने अमेरिका की ये नब्ज को पकड़ा क्योंकि 2001 से, जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, 2003 में जब उसने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए इराक में इन्वेड किया था, तब से अमेरिका जो है एक मास मर्डर एक्टिविटी करती जा रही थी अफगानिस्तान से, इराक से, हर जगह लेके। व्लादिमीर पुतिन को यह बात पता है कि अमेरिकन की टॉलरेंस की थ्रेशोल्ड बड़ी कम है और अमेरिकन को जो जनता है उसको ब्लडशेड तो कतई नहीं पसंद है, लेकिन अमेरिका की सरकार हमेशा से ब्लडशेड पूरे वर्ल्ड में करती आई है। और क्योंकि ये समय ऐसा था कि अमेरिका की जनता ब्लडशेड से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इस पूरे प्लान को इरिटेट करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने उस ऑप एडिटोरियल आर्टिकल में ये चीज लिख दी कि भाई ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरीके से सीरिया में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ब्लडशेड होगा। अमेरिका की जनता में एकदम आग पैदा हो गई कि हम ब्लडशेड नहीं चाहते। दूसरी चीज देखिए कि उस ऑप एडिटोरियल में व्लादिमीर पुतिन ने साथ में ये भी लिखा कि भाई अगर अमेरिका सीरिया को इन्वेड करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट फिर से डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका सीरिया में आएगा तो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश सीरिया को बचाएंगे, सीरिया के दोस्त आके इंटरवीन करेंगे। एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो अभी बहुत ही समय के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, पुतिन ने लिखा, इसको दोबारा डिस्टेबलाइज करने की आवश्यकता नहीं है और अमेरिकन जनता को ये बात समझनी चाहिए। दोस्तों आप देखिए कि व्लादिमीर पुतिन एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन अमेरिका की जनता के ऊपर चला रहा है। ये पावर होती है कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन की कि आप उसको टारगेट कीजिए जो आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने का पोटेंशियल रखती है। जनता के मन में एक ऐसी चीज भर दी कि मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा, बच्चों का, बूढ़ों का, इनोसेंट लोगों की लाइव्स लॉस्ट हो जाएंगी यदि ये प्रकार की हरकत हुई। और तो और पुतिन यहां नहीं रुके दोस्तों, पुतिन ने अमेरिका की वो नब्ज को पकड़ के दबा दिया जो शायद अमेरिका में बहुत ही रेयरली कभी प्रेस की जाती है। पुतिन ने ये तक बोल दिया उस ऑप एडिटोरियल आर्टिकल में कि सीरिया में लड़ाई को तो पोप ने भी मना किया है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी कहती है कि वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल्स। तो पुतिन ने उस आर्टिकल में रिलीजन को भी झोंक दिया और एक रिलीजियस आर्ग्यूमेंट भी दे दिया कि रिलीजन के नाम पर भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को सीरिया में मिलिट्री इंटरवीन नहीं करना चाहिए।
दोस्तों इस ऑप एडिटोरियल के बाद जो अमेरिकन मीडिया में डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, जो अमेरिका के लोगों ने सोशल मीडिया पे इस आर्टिकल के बारे में चर्चा करी, वो इस हद तक हो गई कि पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट कैंपेन्स स्टार्ट हो गए 11 सितंबर 2013 के बाद। लोग सड़कों पे उतर आए कि अमेरिका सीरिया में नहीं जाएगी, और ये हालात हो गए कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके ऊपर इतना दबाव आ गया, इतना प्रेशर आ गया कि भैया आप या तो अपनी जनता को एंटागनाइज कर लीजिए और या फिर आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के तहत जो पुतिन ने इस ऑप एडिटोरियल आर्टिकल को लिख के अमेरिका में खलबली मचा दी, उस समय अमेरिका में जो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी ओबामा की, रिपब्लिकन्स, उन्होंने भी ये बात शुरू कर दी कहना कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए। और अगर आपको याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये बात बोलता आया था अपने पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में कि भाई हम अमेरिका को दूसरे देशों के खिलाफ लड़ने से रोकेंगे, हम सारी फोकस अपने ऊपर रखेंगे। उस समय डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स के बीच में ये डिसोनेंस पैदा करना, अमेरिका की सोसाइटी में एक ऐसा केओस पैदा कर देना, आप सोचिए ये पावर होती है एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के तहत किए गए एक न्यूज़पेपर के ऑप एडिटोरियल आर्टिकल की, कि आज की डेट में एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करने से तक रुक जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया को बचाने के लिए जूडो कराटे का प्रयोग किया। चाहते तो वो ये भी कर सकते थे कि भाई ठीक है, अमेरिका आए सीरिया में लड़े, अपना पैसा फूके, रशिया वहां पर आए सीरिया को बैकिंग दे, दोनों देशों में एक आपसी प्रॉक्सी वॉर चलती रहे, सीरिया जो है एक और अफगानिस्तान बन जाए जो अफगानिस्तान 1970s-80s का था। पर नहीं, अगर अमेरिका को हराना है तो पुतिन का मानना यही था कि जूडो कराटे इन सीरिया, फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं हराएंगे, मेंटल स्ट्रेंथ से हराएंगे। और मेंटल स्ट्रेंथ का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये टाइप के कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। और अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन का इवेंचुअल रिजल्ट ये था कि आज की डेट तक बशर अल असाद सीरिया से हट नहीं पाया। तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन दोनों में अंतर तो समझ आया ही होगा, लेकिन इनके जो मैंने आपको दो बड़े उदाहरण दिए, आपको ये भी समझ आया होगा इसके बाद कि वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स चलती कैसे। धन्यवाद।